हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेकोर स्पेस फर्नीचर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए कपूरथला। कपूरथला में हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर युवराज पुरी से। हेलो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सर? सर बढ़िया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंट्रोडक्शन, आपके स्टोर, हम के क्या क्या आप मटेरियल है, क्या क्या आप मतलब सेल करते हो, किस तरह का आपका स्टोर है? सर हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कपूरथला से डील कर रहे हैं, पूरी ब्रांड हार्डवेयर स्टोर अमृतसर रोड कपूरथला। ये है बिमला इंक्लेव के बिल्कुल ओपोजिट आओगे, आपको हमारा शोरूम दिख जाएगा, पूरी ब्रांड हार्डवेयर स्टोर। हम ज़्यादा डील करते हैं इंटीरियर्स में, जैसे प्लाईवुड हो गया, वीनियर हो गया, लेमिनेट हो गया, एडेसिव हैंडल हार्डवेयर, जो भी घर बनाने में आपको जो भी चाहिए हमसे मिल जाएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ के, हमारे पास आप सारा देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी यहाँ पे प्लाईवुड का यहाँ पे सारा मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ। हम सर से पूरा पूछेंगे इनके पास किस किस कंपनी का प्लाईवुड पड़ा हुआ, क्या इनके पास हार्डवेयर मटेरियल है, क्या इनके पास माइका का मटेरियल, हम सब कुछ इनसे सब कुछ पूछेंगे और सबका मटेरियल का कोर्स लेंगे। आ जाओ सर। सर सबसे पहले आ गई सेंचुरी प्लाई, हमारे पास हर साइज़ की, हर थिकनेस की, हर विड्थनेस की हर प्लाई पड़ी है। फिर सेंचुरी आ गया, फिर हमारे पास आ गया यहाँ का नंबर वन शीतल। ये कंपनी देती है आपको बॉइलिंग वाटर प्रूफ की गारंटी, चाहे कुकर में इसकी पीस डाल के सीटियाँ मरवा दो। ओके, ये इतना परफेक्ट मटेरियल है, इतना परफेक्ट मटेरियल है, कुकर में इसकी सीटियाँ मरवा दो, ये कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो आप मेरे को पकड़ा दो। तो और ऐसे ही हमारे पास कितनी कंपनीज की तरह के हमारे पास प्लाईवुड के स्टोर में मटेरियल है? सर जो मेन ब्रांड होते हैं, चार पांच जो मेन ब्रांड तो सारे पड़े हैं, आप जौन सा मर्जी ब्रांड मांग लो, आप ग्रीन मांग लो, सेंचुरी मांग लो, शीतल मांग लो, ब्लैकवुड मांग लो, हर प्लाई पड़ी है यहाँ पे। हर तरह का आपको हमारे कंपनीज का मटेरियल यहाँ पे हर तरह मिल जाएगा। और इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना आपका रेंज मिल जाएगा यहाँ पे आपके पास? सर मिनिमम जो अच्छी प्लाई है वो आप लगा के चलो अपनी 19 mm की, 18 mm की होती है, 19 mm की जो 18-19 mm की होती है वो आपकी शुरू हो जाती है, जो सही वाली है, लाइक जो बेस्ट क्वालिटी है, जो 60 रुपये से शुरू हो के 60 रुपये से स्टार्टिंग, ये आप ले जाओ 120-130 तक, जहाँ तक मर्जी ले जाओ, 60 से ऊपर हम मैक्सिमम जितना आप जा सकते हो आप जा सकते हो। उसकी थिकनेस वगैरह अकॉर्डिंग टू थिकनेस आपके रेट कम भी हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू आपका आपको हर साइज मिल जाएगा, आपकी वेस्टेज बिल्कुल नहीं जाएगी। अकॉर्डिंग टू थिकनेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हमारे पास सब कुछ पड़ा, सब कुछ यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे अपना प्लाईवुड का मटेरियल, आपको हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा, हर कोसेस 60 से लेके 1 मैक्सिमम, आप जितना यहाँ पे लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। ये हर जगह प्लाईवुड का सप्लाई करते हैं, जहाँ पे कपूरथला हो, जलंधर हो, आप यहाँ से सामान लेके जा सकते हैं। हमारे पास ये चीज़ भी होती है, ये होते हैं फ्लश डोर होते हैं, जो आपके दरवाजे बनते हैं वो ये मटेरियल होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्लैश डोर का भी यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, इसके मेरे पास सारे साइज अवेलेबल हैं, हर साइज, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर साइज मेरे पास अवेलेबल होता है, रेडी स्टॉक होता है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सर के पास हर तरह का मटेरियल है, फ्लैश डोर हो या कुछ भी हो, आप यहाँ से आके मिल के सर को कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लाईवुड का ही लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पे डेकोरेटिव मटेरियल पड़े हुए हैं, तो हम सर से पूछेंगे इनके पास क्या क्या मटेरियल, कितने रेंज का है और किस हिसाब से आगे ये यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स ये होते हैं चारकोल लूवर्स, ये चीज़, और ये होते हैं चारकोल पैनल, ये बने होते हैं चारकोल मटेरियल के, ये पीवीसी वाले नहीं होते, जो पीवीसी होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, पीवीसी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो एक गार्बेज को कंप्रेस करके बना होता है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती, और ये है इसका हेल्थ को कोई डीमेरिट नहीं है, डीमेरिट नहीं है इसका, ठीक है। फिर इनकी एक्यूरेसी फुल आती है, जैसे आप वो चीज़ देख सकते हो लूवर्स में बनी हुई है, वो वाली चीज़ सीलिंग हमारी, सीलिंग जो लूवर्स की, वो लूवर्स की बनी हुई है, कि आप कह सकते हो कि इतनी की चीज़ है वो, इतनी की ये सेम चीज़ वहाँ पे लगाई है। इसका सर रेंज अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसका क्या कॉस्ट वगैरह? सर ये कॉस्ट आप लगा के चलो, मॉडल टू मॉडल वेरी करते हैं मेनली, तो बट 950 से शुरू हो जाता है, बहुत बढ़िया, 950 से शुरू हो जाता है, जाता है ये 1200-1300 तक, 1200-1300। फिर ये आगे हमारे हाइलाइटर चारकोल पैनल, ये चीज होगी,
ये चीज़ें होगी, ये हो गया, ये दोनों आइटम्स आपकी लगती हैं जहाँ पे आपने हाईलाइट करना है, जैसे एलसीडी पैनल हो गया, किसी वॉल्स को, किसी वॉल को हाईलाइट करना है आपने, डेकोरेट करना है, किसी भी एक स्पेसिफिक वॉल को हमने हाईलाइट करना है, तो वहाँ के लिए अब वहाँ पे अगर इसको यूज़ करोगे, यूज़ कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले वीनियस का, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास वीनियस का भी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो हम सबसे डिस्कस करेंगे कि किस किस क्वालिटी में हमारे पास वीनियर पड़ा हुआ है, क्या क्या रेंज में हमारे ये सारा वीनियर इंस्टॉल हुआ पड़ा है यहाँ पे। सर ये जो वीनियर होता है ये होता है थोड़ा रॉयल प्रोडक्ट, थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज़ ऐसी लगती है जैसे आप पानी मार के दिखाना ज़रा सा, आप नॉर्मली कलर देख लो ये है, बट जब आप पॉलिश करोगे तो आपको पता लगेगा चीज़ ही और होगी। पॉलिश करके इसका अलग ही टेक्सचर और कलर निकल के आया। ये देखो जब हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश करने भी पॉलिश ही बहुत तरह की आती है, मैट आती है, किसी को मैट चीज़ पसंद है, किसी को ग्लॉसी चीज़ पसंद है। अच्छा हम किसी तरह के यहाँ पे आप इसको, ये तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसका कलर ये निकलेगा। अच्छा पॉलिशिंग के बाद ये तो इसका बिल्कुल नेचुरल कलर है, और ये भी है अगर आपको थोड़ा सा लाइट कलर पसंद है तो आप थोड़ा सा लाइट कर सकते हो, ये तो मैं पानी लगा रहा हूँ, आप तो पॉलिश को कलर ऐड प्लस माइनस कर अकॉर्डिंग टू पॉलिश, अकॉर्डिंग टू योर होम इंटीरियर, होम इंटीरियर हम जिस तरह की पॉलिशिंग चाहे हम उस तरह की पॉलिशिंग में करवा सकते हैं, ये किसी के साथ भी मैच कर देगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर हम पॉलिशिंग करवाते हैं तो इसका जो पॉलिशिंग के बाद जो कलर निकल के आता है वो कुछ इस तरह का निकल के आता है, और पॉलिशिंग में ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिशिंग होती है, उसमें अगर लाइट पॉलिशिंग या फिर मैक्सिमम पॉलिशिंग करवाना चाहे एज योर अकॉर्डिंग होम इंटीरियर, तो उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिशिंग करके किस तरह के कलर लेके निकल के आते हैं। आपको मैं अपना वीनर दिखाता हूँ, इतने पानी में ला दूँ पहले। तो सर हम वीनर की बात करें तो ये मटेरियल कहाँ कहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया ये है प्रीमियम प्रोडक्ट, जैसे आपकी पूरी कोठी बनती है ना तो वहाँ पे सारा एक वीनर लगता है, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पे सारा एक वीनर लगता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है जैसे आप लगा लो होटल्स में आपका आप जौन से रूम में जाओगे आपको एक तरह का वीनर दिखेगा, वहाँ पे मैक्सिमम आपको वीनर ही दिखेगा, वहाँ पे कोई और प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं होता क्योंकि ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसकी फिनिशिंग जो आ जाए वैसी कल रहेगी। ये और ये कितना टाइम सर्व कर जाता है ये जो वीनियर्स का, कितना टाइम सर्व जाता है अपने इंटीरियर प्रोडक्ट्स? एक बार ही लगा दिया फिर लगा दिया, फिर जब नया घर बनाओगे तो नया लगा लेना। तो ये इसकी रेंज है जो प्राइसिंग शुरू हो जाती है 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से, 60 पर स्क्वायर फुट, और लगा के चलो आपका 200 रुपये स्क्वायर फुट तक आता है, जो आपको बाज़ार में मिलेगा 250-300 रुपये स्क्वायर फुट, मैं आपको वो 200 में दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख आप इतना डिफरेंस लगा के चलो मार्केट से मेरा 62 हमारे पास 200 के नियर अबाउट हमारे पास यहाँ पे वीनियर का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के वीनियर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी तरह का वीनियर एज अकॉर्डिंग टू होम इंटीरियर करवाना है। जो ये वीनियर होता है ये होता है जो हमारा पेड़ होता है ना, ये उसका नेचुरल रेशा होता है, नेचुरल ये उससे एक्सट्रैक्ट किया होता है, जो चीज़ें आपको नेचुरल पेड़ में दिखती है ना जैसे ये चीज़ें होगी, ये नॉट्स वगैरह आती हैं, ये चीज़ आप कहीं पर वैसे नहीं बना सकते, ये इसमें आएगी क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसकी यही खासियत है क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरल देखिए ये मशीन मेड नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल रेशा है, नेचुरल रेशा है, जैसे हम इस यहाँ ये देखें जो पेड़ का तना होता है ना जो घूमता है उसका पत्ता निकलता है वो पेस्टेड है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। नीचे इसके होता है वाटर प्रूफ पैनल कि जैसे आपके सामने इसको रोज नहलाता हूँ इसको फिर भी कुछ नहीं होता। यहाँ पे काफ़ी तरह के यहाँ पे देख सकते हैं वीनियर का, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जिस तरह का सर को कहेंगे आपको उस तरह का आपको वीनियर ला के देंगे, और उसमें अगर आपको होम इंटीरियर की एडवाइस चाहिए तो आप होम इंटीरियर के सर से एडवाइस भी ले सकते हो कि आपको किस तरह का वहाँ पे वीनियर इंस्टॉल करवाना जाए, आप होटल्स के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर आप घर के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर कहीं और अपने कमर्शियल ऑफिस वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो आप एज अकॉर्डिंग अपना वीनियर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्लैश डोर है, यहाँ पे हमारे पास फ्लैश डोर्स का भी इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ, तो हमसे पूछेंगे डिस्कस करेंगे कि फ्लैश डोर का किस तरह का इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। सर ये जैसे फ्लैश डोर होता है ये मैंने आपको अंदर प्री फर्निश प्रोडक्ट दिखाया था, ये एक फर्निश प्रोडक्ट है, फर्निश प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो माइका लेमिनेट लगा ये आपकी मर्जी का है, आप जौन सा मर्जी लगा सकते हो,
आपकी मर्जी है, आप अगर आपको पूरी बिल्डिंग से मैच करना है आप विनियर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, टोटली कस्टमाइजेबल है। इसके ऊपर हम विनियर लगा सकते हो, लेमिनेट लगा सकते हो, आप जिसको कैसे मर्जी काट के लगा दो आपके डिज़ाइन के ऊपर है, मतलब बेसिकली डिज़ाइन के ऊपर है, जैसा कस्टमर डिज़ाइन आप जैसे आप मांग रहे हो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, रिक्वायरमेंट रहेगी फिर आप उसको वैसा आपको वो चीज़ मिल जाएगी, साइज बनवा के दे सकते हो। हर साइज़ अवेलेबल होता है इसका, इसके साइज़ का रेंज वगैरह कॉस्ट वगैरह किस तरह का रहता है? ये सर पड़ता है नियर अबाउट 100 रुपीज़ स्क्वेयर फुट। ये चीज़ होती है लुसेंटो, इसको बोलते हैं लाइट पासिंग शीट्स, लाइट पासिंग शीट्स। इसका एक जो असली चीज़ है होता है एक मार्बल होता है, उसको बोलते हैं ऑनेक्स। ओके, वो पड़ता है आपको लगभग 30-40 हज़ार का, 30-40,000। ये उसका एक रेप्लिका है, ये उसका उससे बेटर रेप्लिका है, उसकी ब्रेकेज की प्रॉब्लम इससे ज़्यादा है। तो हम इसको कहाँ भी आजकल यूज़ कर रहे हैं? ये आपका यूज़ हो सकता है जहाँ पे भी आपने डेकोरेट करना है, डेकोरेटिव। जैसे मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, मैंने काफ़ी जगह पे खुद लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ हम अगर टेंपल्स वगैरह के वगैरह के बैक पे लगती है, आपने जहाँ पे भी हाईलाइट करना है, मैक्सिमम हाईलाइट्स पे होता है, हाईलाइट्स। ये सारा डेकोरेटिव चीज़ें हैं। तो इसका कॉस्ट वगैरह हम बात कर लें, इसका ये आपको अराउंड पड़ जाएगी, मैक्सिमम कितना रेंज रहता है इसका? इसका जो मेन साइजेस चलते हैं वो होते हैं अराउंड 7,000 रुपीज़ शीट होती है, 8 फुट बाय 4 फुट की। 7,000 पर स्क्वायर फीट के? नहीं, तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में क्लैडिंग इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। तो अभी हम क्लैडिंग के बारे में बात करेंगे, किस मटेरियल क्या है इसमें, किस किस तरह की यहाँ पे क्लैडिंग और क्या कॉस्ट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। सर जो क्लैडिंग होती है वो होती है जो हमारी टाइल्स की एलिवेशन लगती है, ये उसकी ऑल्टरनेटिव है, उसकी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। क्योंकि जो टाइल्स होती हैं फायर रिटार्डेंट तो वो हो सकती है, बट उनका कलर जो है वो डिसग्रेस कर जाता है। इसका क्या होता है, इसकी 10 इयर्स की वारंटी आती है कलर डिसग्रेस होने की। ये मटेरियल ऐसा होता है, अगर आप टच करके फील भी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वुड है, बट ये वुड नहीं होता, ये और मटेरियल दे रहा है, ये विनियर की फील दे रहा है, विनियर की फील, बट ये विनियर नहीं है, ये डिफरेंट ही मटेरियल, ये डिफरेंट मटेरियल है, ये अल्टरनेटिव है उसका, उसका द बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ऊपर से ये फायर रिटार्डेंट होता है। अच्छा, ये फायर प्रूफ है, फायर प्रूफ मटेरियल है ये। अगर हम जहाँ पे भी यूज़ करें, ये बाहर बेसिकली हम बाहर यूज़, ये एक्सटीरियर के लिए यूज़ होता है, एक्सटीरियर के लिए, नॉट इंटीरियर। इंटीरियर के लिए तो माइका बहुत आ जाता है सर हमारे पास। ठीक है, तो हम ये बेसिकली हम जो मटेरियल यूज, इतने पैसे नहीं लगवाने आपके, जहाँ पे आपके ज़्यादा खर्चे हैं वहीं पे ज़्यादा लगवाने हैं, हर जगह पे नहीं लगवाने। बेसिकली ये जो मटेरियल है ये बेसिकली अपने एक्सटीरियर के लिए है, ये इंटीरियर के लिए नहीं है। और ये जो अपनी वॉल टाइल्स लगती हैं इसका अल्टरनेटिव आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मटेरियल, कोई भी आपको मतलब टेक्सचर चाहिए हर तरह का यहाँ पे टेक्सचर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे लैमिनेट्स का इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम उनसे बात करेंगे यहाँ पे कितनी तरह के हमारे पास लैमिनेट्स है, क्या क्या इनका कॉस्ट है, और यहाँ पे कहाँ पे हम बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास लैमिनेट्स रखे हुए हैं। तो सर मेरे पास 100 से ज़्यादा डिस्प्ले में शीट्स हैं, तो स्टॉक सबका रेडी स्टॉक पड़ा है, 100 से ज़्यादा डिज़ाइंस हैं, 100 यहाँ पे इंस्टॉल है, और 30-40 और भी मेरे पास स्टॉक में जो डिस्प्ले में मैंने नहीं लगाया। आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है? 150 तो होंगे, 150 डिज़ाइंस तो होंगे विद रेडी स्टॉक। तो आप एक बार देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग हमारे पास टेक्सचर्स के यहाँ पे लैमिनेट्स के डिस्प्ले पड़े हुए हैं यहाँ पे। सर बेसिकली इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? सर इसका यूज़ हर जगह होता है, आपने बेडरूम बनाना है, आपके बेड पे लगना है, आपके एलसीडी पैनल पे लगना है, एलसीडी पैनल हर जगह, हर जगह में आपका माइका लगना ही लगना है, माइका लगेगा उसका, हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। यहाँ के आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स का भी यहाँ पे हमारे पास, मेरे पास 700 रुपये से लेके कोई हद नहीं है, बढ़िया से बढ़िया ऊपर से ऊपर की चीज़ पड़ी 700 टू मैक्सिमम जितना मर्जी है यूज़ के, 3500, 4000, 5000 हर तरह की शीट पड़ी है। बजट के ऊपर हम कितना बजट, आपके बजट पे, आपके बजट पे है। अगर आप कहोगे हमको बजट कम चाहिए, आपका काम तब भी सबसे अच्छा होगा, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो भी आपको सबसे अच्छा होगा। फ्लैप करते हैं, ये हमारे पास देख सकते हैं कि ये जो मार्बल टेक्सचर है, मार्बल टेक्सचर्स में भी हमारे पास यहाँ पे लेमिनेट्स पड़े हुए हैं अलग अलग मार्बल्स, यहाँ पे देख सकते हो।
यहाँ पे आपको कोई मतलब 100+ आपको यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल जाएगा, चाहे किसी भी टेक्सचर में, चाहे वुड टेक्सचर में हो या फिर क्या कहते हैं मार्बल टेक्सचर में, आपको यहाँ पे हर डिफरेंट इवन फैब्रिक टेक्सचर्स में भी आपको लेमिनेट में मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आपका आ जाएगा ये चीज़ आपको कपूरथला में कहीं पे नहीं मिलेगी, ये होते हैं सिंक्रोनाइज्ड लेमिनेट्स। अगर आप इनको टच करोगे ना आपको फील आएगी ये जोन सी चीज़ का रेप्लिका है, आपको उस चीज़ की फील आएगी। जैसे ये वीनियर है आपको इसमें डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलेगा, टच करके आपको पता लगेगा कुछ प्लस माइनस है। ये कोई बंदा जिसको इस चीज़ में बारे में नहीं पता या जो थोड़ा बहुत टेक्निकल है भी ना वो भी नहीं बता सकता ये माइका है कि ये वीनियर है, मगर इसको डिफरेंस नहीं बता सकते क्योंकि मटेरियल ही ऐसा है। ये मटेरियल ऐसा है, नॉर्मल माइके की थिकनेस होती है 1 mm, इसकी होती है 1.25 mm। फिर जैसे ये चीज़ आ गई यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पास कितने मतलब क्लासिक मतलब टेक्सचर पड़े हैं, यहाँ पे हर तरह का टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ देख सकते हम देख सकते हैं हमारे पास जो वुडन फ्लोरिंग का टेक्सचर है यहाँ पे हमें वो भी देखने को। अगर आप चाहते हो कि आपकी वुडन फ्लोरिंग जा रही है उसके हिसाब से ही सारे कमरे की सिमेट्री हो, तो हम इसका बेसिकली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस लेमिनेट का। फिर ये चीज़ ऐसे लगती है ऐसे सीमेंटेड सा हो गया, सीमेंटेड टेक्सचर भी हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा सीमेंटेड टेक्सचर, इवन आप इसको टच करोगे आपको लगेगा कि नहीं पूरा ये सीमेंट का ही है, कोई बंदा कह नहीं सकता ये क्या चीज़ है अभी ये कुछ आपको 3D बॉल हाईलाइट करना है, 3D बॉल्स का हमारे पास क्या कहते हैं लेमिनेट्स यहाँ पे इंस्टॉल हुआ पड़ा था, इसको भी इंटीरियर्स के लिए बेसिकली वॉल्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से सर जो ये हमने सारा सेटअप किया हुआ है ये वो कुछ सिलेक्टेड शेड्स हैं जो हमें आर्किटेक्ट्स ने रेकमेंड किए हैं, तो इससे क्या होगा अगर कोई नॉर्मल कस्टमर आ रहा है जिसको डिज़ाइन की कुछ ज़्यादा सेंस नहीं है, पर वो जो भी चूज़ करेगा वो इनडायरेक्टली आर्किटेक्ट की चॉइस है। आर्किटेक्ट यहाँ पे बेसिकली जो आपने इंस्टॉल किए हैं ये आर्किटेक्ट ये आर्किटेक्ट्स की रिकमेंडेशंस भी किए हुए हैं, अगर कोई बंदा जिसको नहीं पता वो कुछ भी चूज़ कर लेता है तो वो जचेगा क्योंकि वो ऐसे ही नहीं लगाया हुआ। फिर जैसे ये चीज़ आगे एब्स्ट्रैक्ट्स आगे आप देख सकते हो वुडन फ्लोरिंग का भी यहाँ पे है, यहाँ बेसिकली हर टेक्सचर्स का यहाँ पे आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अब ये जैसे लेदर की फिनिश दे रहा है, लेदर फिनिशिंग लुक भी दे रहा है फील भी दे रहा है। अच्छा हाँ जैसे कि आप टच करके बता लग रहा है कि ये लेदर का है, ये इसमें लेदर का टच है, डिफरेंस बता सकता है कि भाई ये लेदर है कि लेमिनेट है इसमें कोई। अब ये शेड्स ऐसे हैं कि पता नहीं लगता ये वीनियर लगा है माइका लगा है क्या लगा है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पूरा जो अपनी मॉड्यूलर किचन है यहाँ पे पूरा इन्होंने सेटअप बना के रखा हुआ है, तो हम इनसे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मॉड्यूलर किचन में क्या क्या इनके पास मटेरियल और किस हिसाब से सेटअप किया है और किस कोर्स का है इनके पास क्या क्या मटेरियल है। तो ये हमारा आ गया डिश रैक, फिर हमारा आ जाएगा डस्टबिन यहाँ पे देख सकते हैं डस्टबिन दिखाते हैं। ये हमारे आगे स्टोरेज यूनिट आगे सारे काफ़ी स्मूथ है, ये चीज़ काफ़ी स्मूथ है, ये हाइड्रोलिकली क्लोज होते हैं, अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो वो इजीली अपनी स्पीड से अंदर जाएगा। फिर ये आगे लेफ्ट सब आगे इसको आप जहाँ पे मर्जी स्टॉप कर लो। फिर हमारे ये आ जाएगी ये डबल लिफ्ट आपने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। फिर ये चीज़ वो आ जाएगी जो मैंने आपको अंदर सेंटो शीट्स दिखाई, सेंटो शीट ऐसे बेसिकली उसका यूज़ हम उसका यूज़ ये होता यूज़ करने किचन में उसका यूज़ कर सकते हैं जी। फिर ये हमारा आगे टेंडम, इनको बोलते हैं इनोटेक्स भी बोलते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट क्लोज होते हैं, अगर आपने यहाँ से छोड़ दिया अपने आप स्मूथली अंदर जाएगा। ये आटा ट्रॉली आ गई, ये हमारे स्टोर यूनिट आ गए। फिर ये हमारा आ गया बॉटल्स के लिए, बॉटल्स के लिए छोटे छोटे अपने जो हमारे बॉटल्स वगैरह जो भी आएंगे सॉस वगैरह जो बॉटल्स होती हैं उनको यहाँ पे इंस्टॉल रख सकते हैं जी। फिर हमारा आ जाएगा एलिवेटर, फिर हमारा आ जाएगा एस कॉर्नर, इनमें आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं रहती, आपका कॉर्नर की जगह वेस्ट नहीं होती कभी भी, कॉर्नर्स को मैं यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे आ जाएंगे शॉकर वगैरह, ये अपने हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक शॉकर,
फिर हमारा आ गया शटर। शटर्स का भी ये आपको फ्रेंड बताना चाहता हूँ, आजकल ये रिसेंट ट्रेंड आया है जिसमें हम कहते हैं आजकल किचन्स में शटर की स्टोरेज का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आ गया माइक्रो ओवन आ गया इनबिल्ट, ये इनबिल्ट आपने रखा हुआ है जी। फिर हमारा आ गया पेंट्री, ये भी बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल होती है, आप जिसको मर्जी लगा के जहाँ पे मर्जी इंस्टॉल कर, जहाँ मर्जी अगर आपका बॉटल छोटी बड़ी है उसके हिसाब से हम कस्टमाइज करवा, फिर आप वॉश भी इसको ईजिली कर सकते हो निकाल के। फिर हमारी आ गई है विकर बास्केट, जैसे आपने जो वेजिटेबल स्टोर करनी है उनको एयर भी क्रॉस अच्छा होता है, इनमें ख़राब होने की दिक्कत नहीं रहती। तो अगर हम बात करें इसके कहते हैं इसके जो प्राइस वगैरह, तो इस तरह की किचन का सेटअप करवाना है तो इसका किस तरह का प्राइस वगैरह? प्राइस तो मेनली डिपेंड करता है आपके एरिया पे फिर आप क्या चीज़ इंस्टॉल करने वाले उस पर डिपेंड करते हैं। रफली आइडिया लगा के हम चलें तो 1-1.5 लाख से स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है। 1 लाख अब तो हम जितना मैक्सिमम जितना मर्जी मटेरियल हम जो चीज़ें लगाएंगे उस हिसाब से रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ अगर हम ये चीज़ें नहीं लगाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगा, लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, रेट द्वारा बढ़ता जाएगा। हमारी आ जाएगी चिमनी, ये आजकल आई है मोशन सेंसर वाली जैसे भी अब अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ खुल जाती है ओपन हो। ये इसमें 3 स्पीड मोटर्स आती हैं, 3 स्पीड से आ गई उसके बाद अपने आप बंद। इसमें एक ये ऑप्शन आता है ऑटो क्लीन का, अगर आप उसको प्रेस कर दोगे आपका जो कचरा वगैरह वो इस लेड में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो हम चिमनी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है क्लीनिंग का, तो इसमें हम ऑटो क्लीनिंग ऑप्शन है, ऑटो क्लीनिंग का ऑप्शन है, आपको खुद कुछ भी नहीं करना से ऑटो क्लीन हो जाएगा। और ये किस कंपनी का हमारे पास ये चिमनी? हमारे पास चिमनी होती है एलिका की, चिमनी चूल्हा जो भी है किचन के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो होती हैं एलिका की। एलिका जो एक इटालियन ब्रांड है, आप चाहे गूगल पे इसको चेक कर लो, ये रेटेड वन ऑफ द बेस्ट किचन एक्सेसरीज। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले में हैंडल्स भी इंस्टॉल किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये प्यारा डिस्प्ले इन्होंने किया हुआ है, जो एक तो जो अपने हॉर्स हैंडल्स टाइप का वो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप यहाँ पे हर एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे से बड़ा मिनिमम से मैक्सिमम इन्होंने साइज़ यहाँ पे अपने डिस्प्ले में रखा हुआ है। तो हम सर से एक बार फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पे किस किस रेंज में किस किस मटेरियल में इन्होंने अपने जो हैंडल्स हैं वो इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। तो सर ये हो गए हमारे मेन डोर के हैंडल्स, ये भी मेन डोर के हैंडल्स होते हैं, आपको हर साइज़ मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी, हर क्वालिटी मिल जाएगी। ये भी मेन डोर के हैंडल्स हैं, ये एंटीक्स में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एंटीक्स हैंडल्स भी अपने इंस्टॉल किए हैं, बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। अब अगर घर पे जो अपने डोर्स हैं वहाँ पे इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर जिन्होंने अपना एंटीक अगर मटेरियल यूज़ करना है कहीं पर तो। बाकी सर ये आ जाएंगे हमारे कबर्ड वगैरह के हैंडल, कबर्ड वगैरह के हैंडल, कबर्ड हैंडल्स हो गई, ये नॉब्स होगी, ये हैंडल्स हो गए। ये चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लग रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसका अगर हम प्राइस की बात करें, मैं ये कितने हैंडल कितने हैं? ये पड़ता है 2600-2700 के करीब। 2600-2700 हम इसको कहीं पे भी इंस्टॉल, ये ज़्यादातर मेन डोर पे अच्छा लगता है, ड्राइंग रूम का डोर हो गया वहाँ पे अच्छा लगता है। अच्छा, ये ग्लास में भी फिट हो जाएगा, ये लकड़ में फिट हो जाएगा। भाई सही बताऊँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से अब इसी हैंडल को यहाँ से लेके जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा, आप देखो कितना प्यारा ये हैंडल है, ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको इस टाइप के हैंडल्स चाहिए तो आप ज़रूर सर के ऊपर कॉन्टैक्ट करिए। तो सर ये आ जाएंगे, इनको बोलते हैं ऑन रोज हैंडल लॉक। इनका क्या होता है, मशीन अलग दिखती है और लॉक का सेटअप अलग दिखता है। तो सर ये नॉर्मल हैंडल लॉक होते हैं, ये भी कहीं नहीं जाते, ये भी बहुत बढ़िया है, पर अगर आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ चाहिए तो वो आते हैं ऑन रोज हैंडल लॉक। इसका जो मशीन और हैंडल अलग अलग रहता है, और ये चलते भी सिलेंडर से, ये अपने गोल्डन में भी टेक्सचर, गोल्डन फिनिश आ गई है, एंटीक फिनिश बोलते हैं इसको, ग्रे फिनिश बोलते हैं, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। यूज़ करने में बहुत स्मूथ होता है। और इनकी मेरे पास वारंटी ऐसे, आप मेरे को पीस दो नया पीस ले जाओ बात ख़त्म,
कितने साल की अगर वारंटी बात, दो साल की वारंटी हमें हैंडल्स पे, पीस दो पीस ले जाओ। अब हम बात कर लेते हैं ये क्या चीज़ है, ये भी मेन डोर का हैंडल ही है। मेन डोर के हैंडल देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का इतने देखने में मेन डोर के हैंडल्स इन्होंने अपने पास रखे हुए। जो मेन डोर के हैंडल है वो मेरे पास 550 से शुरू हो जाते हैं, बहुत बढ़िया 500 से मैक्सिमम जितना हम एज अकॉर्डिंग। तो हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे अगर किस कॉन्टैक्ट करना है, कैसे हम उस सर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर हमारी शॉप पड़ती है कपूरथला में, अमृतसर रोड पे, विमला इंक्लेव कॉलोनी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट। अगर आप सुल्तानपुर से आओगे तो आपको सबसे पास पड़ेगा, यहाँ से बिल्कुल बार बार से रोड निकलता है, आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास बाहर बहुत पार्किंग है, जहाँ भी मर्जी गाड़ी ले आओ, जो मर्जी करो। ये जो मेन लोकेशन है ये पूरा ओपन एरिया में, यहाँ पे कोई कंजेस्टेड मार्केट में नहीं है, ये बेसिकली सिटी से थोड़ा बाहर जाके लोकेशन, स्टोर की लोकेशन आप हम डिस्क्रिप्शन में आप लोकेशन दे देंगे। तो यहाँ अगर आपको किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए, लैमिनेट चाहिए, वीनियर चाहिए, अपने डोर हैंडल्स चाहिए, तो यहाँ पे आप सर से बात करके अपना जो भी अपना बजट है, या फिर आपको इंटीरियर्स का आइडियाज़ चाहिए, तो बात करके यहाँ पे अपना मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।